देश में एक दिन में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 49,310 नए मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना से 740 मरीजों की मौत, अब तक 30,601 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के केस 13 लाख के करीब, मरीजों का आंकड़ा 12,87,945। देश में अभी 4,40,135 एक्टिव मामले, अब तक 8,17,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। देश में अभी तक कोरोना से 2.38% मरीजों की मौत हुई, रिकवरी रेट 63.34% तक पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, दुनिया के दूसरे देशों से बहुत कम है कोरोना संक्रमण का अनुपात। देश में अब तक 1.5 करोड़ RT-PCR परीक्षण किए गए हैं, अब तक रोज 10 लाख टेस्टिंग करने का भी अनुमान। देश में 1,54,28,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ, एक दिन में 3,52,000 से ज्यादा सैंपल्स जांचे गए। दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन के पहले चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ, इंजेक्शन की पहली डोज दी गई। दिल्ली में कोरोना के 1,041 नए मामले, एक दिन में 26 लोगों ने दम तोड़ा, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 14,554। दिल्ली में मुफ्त में मिलेगा प्लाज्मा, सीएम केजरीवाल ने कहा लोगों को प्लाज्मा खरीदने की जरूरत नहीं, ILBS हॉस्पिटल में 500 सैंपल्स मौजूद। दिल्ली के कोरोना हॉस्पिटल में नाबालिग से रेप की घटना पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट जारी, एक दिन में 9,895 नए केसेस। महाराष्ट्र में एक दिन में 298 लोगों की मौत हुई, संक्रमितों की संख्या 3,47,000 के पार। मुंबई में कोरोना के 1,257 नए मामले, एक दिन में 55 ने दम तोड़ा। मुंबई वालों के लिए राहत भरी खबर, मुंबई में कोरोना का डबलिंग रेट बढ़कर 64 दिन तक हुआ। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही, महिला की मौत के 5 दिन बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। रिपोर्ट आने से पहले महिला का अंतिम संस्कार में 300 लोग शामिल। मुंबई में सेलिब्रिटीज के इलाकों में चेस्ड वायरस मुहिम, राशन दूध और सब्जी विक्रेताओं की भी कोरोना जांच। मुंबई में स्मार्ट हेलमेट से कोरोना संदिग्धों की स्क्रीनिंग, बीएमसी ने समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर शुरुआत की। नागपुर में कल से 2 दिन का जनता कर्फ्यू, 25 और 26 जुलाई को घर से निकलने पर रोक। यूपी में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 2,667 कोरोना केसेज आए, 50 ने दम तोड़ा। यूपी में कुल 60,771 कन्फर्म केसेज, अब तक 1,348 लोगों की मौत हुई। यूपी में एक्टिव मामलों की संख्या 21,711, अब तक 37,712 लोग डिस्चार्ज हुए। यूपी में एक दिन में 50,697 लोगों का कोरोना टेस्ट, अब तक 17,05,348 सैंपल्स की जांच। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर रोज 1 लाख टेस्टिंग के निर्देश दिए, 7 जिलों में डोर टू डोर सर्वे करवाने को कहा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह कोरोना पॉजिटिव, रिपोर्ट आने के बाद घर में आइसोलेट। यूपी के झांसी जेल में 120 कैदियों में कोरोना से हड़कंप, जेल के 14 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। योगी सरकार ने फिर की मजदूरों की मदद, 9.8 लाख श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर 1,000 रुपए, 90,88,00,000 रुपए की राशि मजदूरों के खाते में ट्रांसफर, कोरोना काल में बड़ी राहत। लखनऊ में सीएम योगी ने प्रहरी ऐप लॉन्च की, आपदा पूर्व चेतावनी और राहत प्रबंधन के लिए तैयार की गई प्रहरी ऐप। बिहार में कोरोना के 1600 से ज्यादा नए केसेस, 4 और लोगों की मौत हुई, राज्य में कोरोना ग्राफ बढ़कर 31,691। पटना एम्स का नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे बाद काम पर लौटा, वेतन बढ़ाने का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल खत्म। पटना एम्स के निदेशक का बयान, कहा बिहार में लॉकडाउन हटाए जाने के बाद मामले बढ़े। बिहार के कटिहार में एक कोरोना मरीज की मौत हुई, परिवार वालों ने लापरवाही की वजह से मौत का आरोप लगाया। पटना के अस्पताल में कोरोना से पिता की मौत पर बेटे का गुस्सा फूटा, मरीजों के ठीक होने के इलाज नहीं होने का आरोप लगाया। युवक ने डेड बॉडी को रैप करने में लापरवाही का भी आरोप लगाया, एम्बुलेंस वालों पर ब्लैकमेल करने की बात कही। झारखंड के गढ़वा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, एम्बुलेंस नहीं मिलने से अफसर के कोरोना मरीज पिता ने दम तोड़ा। मामला सामने आने के बाद जिले के सिविल सर्जन ने लापरवाही मानी, कहा जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज होगा, 28 जुलाई से प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की होगी शुरुआत। पश्चिम बंगाल में कोरोना ग्राफ 50,000 के पार, एक दिन में 2,436 लोग संक्रमित, 36 लोगों की मौत। 25 और 29 जुलाई को कोलकाता की सभी फ्लाइट्स पर रोक, कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से फैसला। उड़ीसा में एक दिन में 1,594 पॉजिटिव मामले, संक्रमितों की संख्या 22,500। बीजेडी एमएलए श्रीकांत साहू और पत्नी कोरोना पॉजिटिव, उड़ीसा विधानसभा के 5 कर्मचारी संक्रमित। उड़ीसा सरकार ने हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए जारी की गाइडलाइंस, शहर और गांव में भी होम आइसोलेशन में रहने की सलाह। असम में कोरोना के 1,047 नए मामले, सिर्फ गुवाहाटी में 219 पॉजिटिव मामले, संक्रमितों की संख्या 28,791 हुई। असम के कोकराझार में डीसी ऑफिस को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, 1 कर्मचारी और गार्ड कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा में कोरोना के 789 नए मामले, राज्य में संक्रमितों की संख्या 28,975। गुरुग्राम में 24 घंटे में 127 कोरोना पॉजिटिव, एक और कोरोना मरीज की जान गई। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या 8,393, अब तक 7,110 लोग रिकवर हुए। चंडीगढ़ में कोरोना के 23 नए मामले, मरीजों की संख्या बढ़कर 823। चंडीगढ़ में जेजेपी का हेडक्वार्टर स्थायी रूप से बंद किया गया, एक कुक पाया गया कोरोना पॉजिटिव।
पंजाब में कोरोना के 482 नए मामले, राज्य में कुल आंकड़े बढ़कर 12,216 हुए, 282 की जान गई। पंजाब सरकार ने हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए भी बनाए कोविड केयर सेंटर, 10 जिलों में शुरुआत। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सभी धर्मगुरुओं से अपील, बोले लोगों को धर्म स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की सलाह दें। गुजरात में कोरोना के कुल 52,563 मामले, अब तक 37,958 मरीज रिकवर हुए। एमपी में 24 घंटे में 632 नए पॉजिटिव केसेस, 10 मरीजों की मौत। एमपी में संक्रमितों की संख्या 25,474, अब तक 780 मरीजों ने दम तोड़ा। राजस्थान में आज कोरोना के 375 नए मामले, 4 की मौत हुई। राजस्थान में 33,595 के पार पहुंचा कोरोना ग्राफ, अब तक 598 लोगों की जान गई। उत्तराखंड में कोरोना के 145 नए मामले, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 5,445। हिमाचल में 41 नए केसेस के साथ आंकड़ा 1,876 हुआ, अब तक 12 लोगों ने जान गंवाई। हिमाचल के हमीरपुर में मास्क नहीं पहनने पर 5,000 का जुर्माना, शिमला में 1,000 का फाइन लगेगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 353 नए केसेस आए, प्रदेश में अब तक 16,782 लोग वायरस की चपेट में। तमिलनाडु में 6,785 नए केसेस, 24 घंटे में 88 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु में मरीजों की संख्या 2,00,000 तक पहुंची, 53,132 एक्टिव मामले। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 8,147 लोग कोरोना पॉजिटिव, 49 की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 2,380 लोग डिस्चार्ज हुए, अब तक 933 मरीजों की मौत। तेलंगाना में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, स्वास्थ्य विभाग ने कहा आने वाले दिन और कठिन होंगे। तेलंगाना में कोरोना के 1,567 नए पॉजिटिव मामले, 9 मरीजों की जान गई। कर्नाटक में आज 5,007 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, एक दिन में 110 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना टेस्टिंग के लिए रेट तय, एंटीजन टेस्ट के लिए 700 और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 2,000 रुपए देने होंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना का अटैक, एक दिन में 2,207 नए पॉजिटिव मामले। पुडुचेरी में 97 लोग कोरोना पॉजिटिव, एक और मरीज की जान गई, अब तक 35 लोगों ने जान गंवाई। गोवा में एक दिन में 174 नए केसेस, राज्य में आंकड़े बढ़कर 4,350 हुए, अभी तक 1,666 एक्टिव मामले। मेघालय में कोरोना के 24 नए केसेस आए, मरीजों की संख्या 558। मेघालय के 71 क्लस्टर जोन में बड़े लेवल पर रैंडम टेस्टिंग होगी, बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए फैसला। 26 से 29 जुलाई तक शिलोंग में लॉकडाउन, सीएम कॉनरेड संगमा ने घोषणा की। त्रिपुरा में एक और कोरोना मरीज की जान गई, अब तक 10 लोगों ने जान गंवाई, 24 घंटे में 206 नए मामले। मिजोरम में आज 6 और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई, सभी संक्रमित बीएसएफ के जवान, राज्य में अब तक 332 केस। कल से नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 7 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन। हाईकोर्ट और पशुपालन से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी। खांसने की आवाज से कोरोना का पता लगाने के लिए मोबाइल ऐप बनाने की तैयारी, भारत और नॉर्वे सरकार मिलकर कर रही है काम। निष्क्रिय पड़े कोरोना वैक्सीन पर चीन की पैंतरेबाजी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों पर ट्रायल। चीन की राजधानी बीजिंग में 6 महीने के बाद सिनेमा हॉल खुले, एक बार में 30% दर्शकों को बैठने की अनुमति। दुनिया में 75,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केसेस, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,57,00,000 के पार। दुनिया में कोरोना से अब तक 6,37,000 से ज्यादा की मौत हुई, आज 1,956 लोगों ने दम तोड़ा। दुनिया में अब तक करीब 96,00,000 मरीज कोरोना से ठीक हुए, 54,90,000 एक्टिव मामले। अमेरिका में कोरोना मीटर 41,72,000 के पार, मरने वालों का आंकड़ा करीब 1,47,000 के पार। अमेरिका में 2,187 नए केसेस, आज 28 लोगों की जान गई। अमेरिका में भी कोरोना से 19,80,000 लोग रिकवर हुए, 20,44,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना के मामले बढ़ने पर फिर लॉकडाउन, कारोबारियों ने आपत्ति जताई। ब्राजील में कोरोना से अब तक 54,251 की जान गई, करीब 23,00,000 लोग कोरोना की चपेट में आए। रूस में कोरोना ग्राफ 8,00,000 के पार हुआ, अब तक 13,046 लोगों ने दम तोड़ा। पाकिस्तान में कोरोना मीटर 2,70,000 के पार हुआ, अब तक 5,763 की मौत हुई। नेपाल में कोरोना ग्राफ 18,374 पर पहुंचा, 24 घंटे में 133 एक्टिव मामले, अब तक 44 की जान गई। अप्रैल में लॉकडाउन के समय मोबाइल सब्सक्राइबर्स में 82,00,000 से ज्यादा की कमी आई, ट्राई ने डेटा जारी किया। अप्रैल में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स में भी 1.64% की गिरावट आई, 1,13,00,000 संख्या घटी। सेंट्रल रेलवे ने लॉन्च किया चेक इन ऐप, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर ऐप के जरिए चेकिंग। पटना में डाकघर में बिकने लगे फेस मास्क और सैनिटाइजर्स, अगले हफ्ते से राज्य के 54 डाकघरों में शुरुआत होगी। असम के डिब्रुगढ़ क्वारंटीन सेंटर में कोरोना संक्रमित एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, डांस करते हैं।